हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय ये है। ये चैप्टर जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माने रखता है। ये चैप्टर जो है फासिस्टवाद यानी फैसलिज्म एंड नाजीवाद यानी नाजलिज्म, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री है, ये 6 सेमेस्टर का है, ठीक है, BA थर्ड ईयर। ये चैप्टर में हमने फासिस्टवाद और नाजियावाद के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम फासिस्टवाद के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जो आपको समझना चाहिए और इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि जब भी आप वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक बात जो आपको हमेशा मैं कहता रहता हूँ, मानना भी चाहिए, क्योंकि ये चैनल नया है तो आपको इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप नए हो और नए बच्चों को अगर ये पसंद आ जाता है और उनको अच्छा लगता है, दोबारा रिसर्च मारते हैं तो शायद वो आपको नहीं आता है आपके मोबाइल, तो इसलिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से ये रहेगा कि जब भी मैं कोई वीडियो आपको इसके रिगार्डिंग या चैप्टर रिगार्डिंग आपको डालूंगा तो वो आपको प्राप्त हो जाएगा और आप इसका फायदा उठा सकते हो। फिर चलते हैं, आप देखते हैं हमारा जो है जो फासिवाद यानी जो ये फासिज्म का जो हुआ था उत्पत्ति, वो कैसे हुआ, ठीक है। फासिस्ट शब्द का उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द फैसियो से हुआ है। फैसिस का आर्थिक अर्थ जो होता है राज या डंडों का समूह, यानी राज डंडों का समूह भी कह सकते हो आप। प्राचीन काल में जब कभी रोम के सम्राट विजय प्रांत राजधानी में प्रवेश करते थे तो वे अपने हाथों में राज डंडों का समूह रखते थे। यह उनकी निरंकुशता का परिचालक होता था। इसी कारण फासिस्टवाद हमारा अभिप्राय एकांत तंत्र अथवा तनाशाही शासन से है। देखिए, जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि जो फांसी जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इसके ऊपर यहाँ बताया गया है और कह सकते हो कि यह जो है एक तनाशाही शासन है। इटली में फासिस्टवाद का स्थापक वेनिटो मुसोनिया था। जो फासिस्टवाद का मुख्य विशेषता है इटली में उनके उदय के कारणों का वर्णन हम अभी करेंगे कि कैसे उनका उदय हुआ, तो इसमें हम चर्चा करेंगे। पहले तो हमारा आएगा कारण। कारण जो होती है, केस होती है, देखते हैं क्या है पहला कारण। पहला पॉइंट था कि शांति संधि के प्रति निराशा, यानी जो शांति संधि हुई उसके प्रति जो थी कैसे निराशा थी, एंड डिस्प्लेसमेंट विद द पेस ऑफ थ्रेटिंग। इटली की सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध में कुछ प्रदेश प्राप्त करने की आशा लेकर ही उसने युद्ध में प्रवेश करने का निश्चय किया था। लंदन की संधि द्वारा उसे मित्र देशों से इस संबंध में कुछ वचन भी दिए थे। इसी इटवालियस अधिकार आशावादी बन गया था, यानी काफ़ी जो थे आशावादी से ये युद्ध में कूदे थे, परंतु युद्ध की समाप्ति पर उनको केवल ट्रिडोन ट्रिस्टो और ग्लेशिया का कुछ भाग ही प्राप्त हुआ। यह उनकी आकांक्षाओं की तुलना में तुच्छ थे, विशेष इसके कि उनके लाखों योद्धा युद्ध का शिकार हुए थे। लाखों योद्धाओं ने अपनी जान की आहुति दे दिए थे और इटली को भारी धन हानि भी उठानी पड़ी थी। फ्यूम ने न मिलने पर तो उन्हें अति निराशा ही थी। इटली के एक नेता ने भी ये बात को अपनी जो है बात जाहिर किया कि यदि इटली युद्ध में भाग न भी लेता तो उसे ये लाभ प्राप्त अवश्य होते, लेकिन उसने लाखों युवकों की बलिदान देकर इसे प्राप्त किया है जो उसकी बुद्धिमत्ता का अच्छा परिचालक नहीं है। कुछ आलोचकों ने यह विचार भी व्यक्त किया है कि मित्र राष्ट्र ने इटली के साथ धोखा किया था। ऐसी परिस्थिति में इटली की संसदीय सरकार का, जो इस राष्ट्रीय हानि के लिए जिम्मेदार थी, जनता में अप्रिय होना स्वाभाविक बात ही था। उसके पश्चात जो था युद्ध प्रांत आर्थिक दुर्दशा, यानी पोस्ट वार इकोनॉमिकल डिस्ट्रेस। युद्ध में भाग लेने से इटली की आर्थिक स्थिति बहुत दुर्बल हो गई थी। यूरोप के अन्य देशों की तरह वह भी अमेरिका का ऋणी हो गया था, क्योंकि अमेरिका तो चाहता यही था कि सारे देश उसके ऋणी हो जाएं। मुद्रा के प्रसार के कारण वस्तुओं के अभाव भी बहुत बढ़ गए थे। परिणाम स्वरूप इटालियन सिक्के का वास्तविक मूल्य उसका 1/5 भाग ही रह गया था। इससे अन्य तेल, कोयला और अन्य आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करना सुगम न रहा। कारखानों के बंद होने से बेकारी फैल गई, यानी चारों तरफ कारखाना बंद हो गया, जिसकी वजह से चारों तरफ जो व्यक्ति थे वो बेरोजगार हो गए, सारे युवक बेरोजगार हो गए और बेकारी फैल गई। ऐसी परिस्थिति में मध्य वर्ग, मजदूर वर्ग और किसान आदि सभी एक सामान्य दुखी हो गए। आय का में कोई वृद्धि होने से नौकरी पेशा लोग भी प्रसन्न न रहे। इटली की सरकार अंकुश होने के कारण आर्थिक समस्याओं को हल करने में असमर्थ रही, जिससे जनता का उस पर विश्वास न रहा। तीसरा पॉइंट में यही था कि आंतरिक अराजकता, इंटरनल डिसऑर्डर। इटली में आर्थिक दशा के बिगड़ने से आंतरिक असंतोष व अराजकता में काफ़ी वृद्धि हो गई थी। 1919 में
में 1800 से हड़तालें हुई जिनमें से 15 लाख मजदूरों ने भाग लिया था, और 1920 ईस्वी की व्यापक हड़ताल के दौरान दंगे फसाद हुए जिनमें से 320 मजदूर मारे गए। युवकों की भूमि पर बलपूर्वक अधिकार करने से उनकी पुलिस अधिकारियों के साथ मुठभेड़ भी हुई। इन देहाती दंगों के दौरान बहुत से ग्रामीण मृत्यु का शिकार भी हो गए, उनके घर आग के भेंट चढ़ा दिए गए और उनके खेतों को भारी हानि पहुंची। ऐसी परिस्थिति में एक और तो सरकार को निकम्मा होने का तमंगा मिली, दूसरी ओर भूमिपतियों का झुकाव उस राजनीतिक दल की ओर हुआ जो उनके हितों की सुरक्षा रख सकते थे। यानी उस समय जो था बहुत से राजनीतिक दलों का क्या हुआ, उदय हुआ। सेवा निवृत्त फौसल में असंतोष, यानी डिसकॉन्टेंट अमंग टू द एक्स सर्विस मैन। इटली के सैनिकों ने सैन्य अधिकारी अपनी ओर से बड़ी वीरता एवं साहस के साथ युद्ध क्षेत्रों में लड़ रहे थे। युद्ध के अंतिम दिनों में इटली के राजनेताओं ने उन्हें इनाम व सम्मान देने का वचन भी दिया था, लेकिन देश में लौटने पर उनकी आशाओं पर पानी फिर गया। उनके देशवासियों ने तो उनकी सैनिक कार्यवाही पर प्रसन्न नहीं थे, नगरीय व गांवों में उनकी गोलियों से स्वागत किया गया। ऐसी परिस्थिति में न फौजियों ने न फासिस्ट दल का समर्थन किया और उसके झंडे तले एकत्र हो गए। तो इस तरह से जो है सेना वृत्ति फौजियों में असंतोष फैल गया, क्योंकि उनको लगा था कि वो आएंगे तो उनको सम्मान के साथ उनको आगे वो एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने सम्मान के जगह पर वहाँ गोलियां चला दिया, जिससे वजह से सारे जो सैनिक जो युद्ध में पार्टिसिपेट किए थे वो बुरी तरह से हताश हो गए और डर गए कि उन्होंने जान पर भी खेला फिर, लेकिन उनके देश के लोगों को उनको कोई किसी तरह का प्रवाह नहीं है और उन पर ही उन्होंने अटैक कर दिया। तो इस तरह से जो था इसका कारण बना। उसके पश्चात संसदीय सरकार की दुर्बलता, यानी वीकनेस ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। प्रथम महायुद्ध आरंभ होने से पूर्व ही इटली और संसदीय सरकार दुर्बल प्रमाणित हो चुकी थी। दुर्भाग्यवश उसने फ्यूम और अम्बालिनिया के मामलों में ऐसी नीति अपनाई जिससे देशभक्तों के हृदय बहुत दुखी हुई। जब इटली के कुछ देशभक्तों ने फ्यूम में बलपूर्वक अधिकार कर लिया तो सरकार के आदेशों पर इटालियन सैनिकों ने उनके वहाँ से निकाल दिया। इतना ही नहीं, सरकार ने यूगोस्लाविया के साथ संधि करके फ्यूम के एक स्वतंत्र राज्य मान लिया। अल्बानिया के मामले में भी इटली की संसदीय सरकार ने इसी प्रकार की नीति का प्रदर्शन किया। ऐसी परिस्थिति में लोगों को यह विश्वास हो गया कि संसदीय सरकार राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा नहीं रख सकती है, इसे सुलमोनिया के फासिस्ट दल का रास्ता साफ हो गया। यानी संसदीय सरकार का दुर्बल होना भी वहाँ का ये जो था यानी फासिस्टिज्मवाद का उदय होने का कारण बना, क्योंकि जब वहाँ की जो पार्लियामेंट गवर्नमेंट थी वो कुछ भी नहीं कर सकी तो ऐसे स्थिति पैदा होना एक आम सी बात रह गई। उसके बाद असामान्यवाद का भय, फेवर ऑफ कम्युनलिज्म। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात इटली यूरोप का ऐसा देश था जिसमें साम्यवाद का फैलने के लिए बड़ी अनुकूल परिस्थिति बन चुकी थी। वहाँ पर अंत जो ही जनता की आर्थिक कठिनाई पेश हुई, मार्क्सवादी प्रचार जोर पकड़ गया। लेनिन का नाम लोगों के जुबान पर आ गया और उनके चित्र स्थान स्थान पर दिखाई देने लगी। मार्क्सवादी तत्वों की उत्तेजना पर 5 लाख से अधिक मजदूरों ने 1920 ईस्वी में कारखानों पर अधिकार जमा लिया। रूस की स्थानीय समितियों की तरह इटली में भी मजदूरों की समितियां स्थापित होने लग गई। धीरे धीरे मार्क्सवादी की फासिस्ट दल के सदस्यों के बीच दंगे शुरू हो गए। तब शहरी मध्य वर्ग को समाजवाद के खतरनाक समझौते हुए फासिस्ट दल का समर्थन किया, और बहुत से राष्ट्रवादी भी जो संसदीय सरकार से अप्रसन्न थे मुसोलिनी के समर्थक बन गए। इन दोनों श्रेणियों के समर्थन मिलने से मुसोलिनियों का उत्साह बढ़ा और उनकी स्थिति और भी दृढ़ हो गई। तो साम्यवादी का भय होना भी एक तरह का जो था ये फैसलिज्मवाद का उदय होने का कारण बना। अगला पॉइंट जो है इसमें यह है कि राजनीतिक दलों की निष्क्रियता, यानी इनएक्टिविटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। प्रथम महायुद्ध के उपरांत इटली के राजनीतिक क्षेत्र में कई दल स्थापित हो गए थे, उन्हें उन्नति करने का अवसर भी मिला, लेकिन वे इस अवसर का लाभ उठाने में असमर्थ रहे। कैथोलिक पार्टी आंतरिक फूट या संकटों के कारण प्रगति न कर सकी। यद्यपि लाखों मजदूर साम्यवादी के समर्थन थे, यद्यपि उनकी स्थिति दीन न हो सकी। इसका कारण यह था कि उनके पास कोई योग्य नेता नहीं था। उदारवादी तो वैसे भी सशक्त पग उठाने के योग्य नहीं थे। इस प्रकार राजनीतिक दलों की यह निष्क्रियता मुसोलिनी के लिए एक गुप्त वरदान सिद्ध हुआ। इसमें उनका लाभ उठाकर अपनी स्थिति को और भी उन्होंने क्या किया, दृढ़ बना लिया, जिसके वजह से क्या हुआ, वो आगे बढ़ गए। तो राजनीतिक पार्टी की इनएक्टिविटी की वजह से भी पॉलिटिकल जो थी ये इसका होने का कारण बन गया, यानी जो फाजिलवादी था उसका जन्म होने का सबसे बड़ा जो रास्ता है प्रस्त कर दिया गया। मुसोलिनी का प्रभावशाली तत्व, इफेक्टिव ऑफ लीडरशिप ऑफ मुसोलिनी, यानी फसावा दल का जन्म देने वाले मुसोलिनी
राष्ट्रवाद नेताओं में से सबसे योग्य एवं कुशल नेता थे। वह एक प्रभावशाली व्यक्ति एवं उच्च कोटि के लेखक भी था। यद्यपि उसे मार्क्सवादी विचारधारा का पुण्य ज्ञान नहीं था, यद्यपि उनके लाखों में उनकी प्रतिभा की झलक दिखाई पड़ती थी। इसके अतिरिक्त उसने युद्ध के समय देशभक्त का प्रदर्शन भी किया था, यानी देशभक्त होने का उन्होंने अच्छा खासा प्रदर्शन भी किया था। अपने इस गुणों के कारण वह जनता एवं उच्च श्रेणी में एक सामान्य प्रिय हो गया था, यानी वो जनता में काफ़ी उच्च श्रेणी के प्रियतम नेता में से बन गया, जिसकी वजह से उसका प्रभाव काफ़ी रहा। अंतम श्रेणी को चारित्रिक गुणों ने भी उसे सफल होने का योगदान दे दिया। तो इस तरह से जो था, जो मुसोलिनी की जो चरित्र का गुण था और उसकी योग्यता थी, जिसकी वजह से जो है फासिज्म आने का सबसे बड़ा रास्ता साफ कर दिया। उसके बाद है फासिस्ट दल की असाधारण प्रगति, यानी फासिस्ट दल का दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होने से फासिस्टवाद का उत्थान में सहायक सिद्ध हुआ और इस दल की स्थापना मार्च 1919 ईस्वी में हुई थी। एक वर्ष के भीतर उसकी संख्या लाखों तक पहुँची। समाजवादियों की प्रदर्शनी और हड़तालों एवं जलसे और जुलूसों की भंग करके इस दल ने शहरी मध्य वर्ग की सहानुभूति प्राप्त कर ली। सरकार का दुर्बल होना भी इस दल का के लिए बहुत बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ। जब इस दल ने 1922 ईस्वी में इटली के प्रमुख नगर जैसे मिलान और पारसमा आदि पर अधिकार जमा लिया तो इसे उसकी राजनीतिक महत्व और भी बढ़ा दिया। तो यानी फासिस्ट दल की असाधारण प्रगति भी इन चीज़ों का कारण बना और इसके उदय का सबसे बड़ा रीजन बना। रोम पर धब्बा बोलने का जो खतरा था, डेंजरस ऑफ द मार्चेस ऑफ द रोम्स, फासिस्ट दल की बढ़ती हुई शक्ति के प्रति इटली का शासक भी उदासीन न रह सका। विशेषताएं इसलिए कि उनके सदस्य लड़ने और भिड़ने और दंगा फसाद कराने में विश्वास रखते थे, यानी उनकी ये विचारधारा जो थी इसको रोम को खतरा सबसे अधिक थी। अक्टूबर 1922 ईस्वी में यह अफवाह फैला दी गई कि मुसोलिनी अपने समर्थकों सहित रोम पर आक्रमण करने वाला है। तब प्रधानमंत्री ने मार्शल लॉ की घोषणा करने का परामर्श कर लिया था। तो इस कारण से जो था मार्शल लॉ भी लगाई गई थी, लेकिन इटली का शासक विक्टर इमोलिनियम तृतीय न माना। उन्होंने 30 अक्टूबर 1922 ईस्वी को मुसोलिनी को ही प्रधानमंत्री बनाने के लिए आमंत्रित कर डाला। इस प्रकार मुसोलिनी इटली में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति बन के उभर के सामने आ गया। तो इस तरह से जो है रोम धावा बोलने का जो खतरा थी टला गया, यानी उसको ही वहाँ का प्रधानमंत्री बना दिया गया। और प्रधानमंत्री बनते ही उसने बहुत कूटनीतियों का जो है सहारा लिया और इस तरह से जो है इस फासिस्टवाद का उदय होने में सबसे जो रास्ता था प्रस्त हो गया। उसके बाद था मुसोलिनी का तानाशाही राज्य स्थापित करना, यानी मुसोलिनी स्टेबिलिटी ऑफ डिक्टेटरशिप, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद मुसोलिनी ने अपना मंत्रिमंडल बनाया। इस मंत्रिमंडल में फासिस्ट दल के विश्वसनीय सदस्य शामिल थे। देश के महत्वपूर्ण पद फासिस्ट दल के सदस्यों को ही दिए गए थे, यानी जितने भी इंपॉर्टेंट पद थे सारे के सारे जो था मुसोलिनी के ही जो वफादार थे उनको दिया गया। पुलिस प्रबंधन भी उन्हीं को ही सौंप दिया गया, क्योंकि मुसोलिनी राज्य सत्ता को अपने हाथों में रखने के लिए दृढ़ संकल्प था। इसलिए 1923 ईस्वी में उसने एक चुनाव संबंधी कानून पास करवाया। अगले वर्ष हुए चुनाव में उसके दल को 374 सीटें प्राप्त हुई, यानी 374 जो सीटें प्राप्त हुई। मोटोटी नाम के प्रसिद्ध समाजवादी नेता की हत्या होने पर मुसोलिनी की स्थिति और दृढ़ हो गई, यानी जब उन्होंने मोटोटी नाम के प्रसिद्ध नेता की हत्या करवा दिया, जो इनके जो है राजनीति में और भी पकड़ जो थी मजबूत बन गई। तब उपरांत उन्होंने पालिस्टमोंट की शक्तियों इतनी कम कर दी थी कि वह उसे प्रधानमंत्री पद से नहीं हटाया जा सकता था। उसने अपने राज्य को नियंत्रण से भी मुक्त कर लिया। इस प्रकार 1925 से 26 ईस्वी तक मुसोलिनी वास्तविक अर्थों में देश का तानाशाह बन गया। दूसरे शब्दों में इटली में फासिस्टवाद का सूर्य पुण्य रूप से उदय हो गया, यानी इस तरह से जो था जो फासिस्टवाद का पुण्य उदय हुआ, यानी मुसोलिनी की जो थी कूटनीति और दूरदर्शिता विचारधाराओं की वजह से ही जो है फासिस्टवाद का उदय हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि इटली की तत्कालीन परिस्थितियों में फासिस्टवाद के उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फासिस्टवाद ने एक अलग दर्शन का सूत्रपात किया, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों में राज्य के प्रति कर्तव्य की भावना को जागृत करना था। बहुत से इतिहासकार ने अपने अपने इसमें विचारधारा रखा है, अपने अपने जो है अपने अपने बातों को रखा है। उन्हीं में से सी डी होजन जो थे उन्होंने ये बात बोली थी, कानून का पालन करने की भावना को उत्पन्न करने शक्ति और व्यवस्था बनाया जाता। इटली की विभिन्न संस्थाओं को समाजवाद से बचाने के लिए फासिस्टवाद की उत्पत्ति हुई, यानी इस तरह से जो है इटली और की शांति की व्यवस्था करने के लिए भावना को उत्पन्न करने के लिए इटली की विभिन्न संस्थाओं का समाजवाद से बचाने के लिए फासिस्टवाद की उत्पत्ति हुई और बनाई गई। उसके पश्चात जो है
फासिस्टा बाद की विशेषता यानी फीचर ऑफ एलिजिज्म, ये विशेषताएं भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, इसको आपको लर्न करना भी चाहिए क्योंकि कई बार एग्जामिनर का ये प्रिय विषय रहता है। इसमें यही पहला पॉइंट आता है कि राष्ट्रवाद में विश्वास, सबसे पहले तो था फेथ इन द नेशनलिज्म। फैसलाबाद राष्ट्र को अति महत्व देते थे, उनका विचार था कि राष्ट्र की अपनी इच्छा होती है जो कि वहाँ रहने वाले व्यक्तियों से अलग होती है। यदि मनुष्य को राष्ट्र के जीवन से अलग कर दिया जाए तो वह अर्थहीन हो जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा कार्य राष्ट्र की उपासना करना है, हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे राष्ट्र का सम्मान बढ़े। यानी राष्ट्रवाद में विश्वास सबसे इम्पोर्टेंट विश्वास होती है, क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, राष्ट्र मजबूत होता है, और कोई व्यक्ति राष्ट्र पर विश्वास रखता है तो उसे क्या होता है, राष्ट्र की जो गरिमा होती है वो बनी रहती है। उसके पश्चात जो है निरंकुश राज्य में विश्वास यानी फेथ इन द ऑटोक्रेटिक स्टेट। फैजाबाद के अनुसार राज्य का व्यक्तियों के जीवन का पुण्य अधिकार होता है, राज्य पहले तथा व्यक्ति बाद में होता है, पहले राज्य होती है तब जाके व्यक्ति आता है। मुसोलिनी का कथन था, जो मुसोलिनी वहाँ के प्रधानमंत्री बने थे, उनका ये कथन था कि सब कुछ राज्य के भीतर है, राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं तथा राज्य के बाहर भी कुछ नहीं। यानी इनका विचारधारा जो था कि राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं किया जा सकता, राज्य के बाहर भी कुछ नहीं किया जा सकता। उसके पश्चात जो है हिंसा में विश्वास, यानी फैजाबाद हिंसा में विश्वास रखते थे। उनका विचार था कि इसका प्रयोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों क्षेत्रों में करना चाहिए, हिंसा के साहस, शक्ति व आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न होती है। यानी हिंसा में विश्वास रखना ही इनके लिए बहुत ही बेकार थी, क्योंकि इनकी विशेषता इसी में से थी। युद्ध में विश्वास एंड फेथ इन वार, फैजाबाद युद्ध में विश्वास रखते थे, यानी जो फैजाबाद के विचारधाराओं के व्यक्ति थे उनको युद्ध में बहुत ही विश्वास रखते थे। उनका कथन था कि प्रत्येक मनुष्य को युद्ध करना चाहिए, शांति एक स्थान पर ठहरे पानी की भांति है, सभी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान केवल युद्ध है। मुसोलिनी के कथनानुसार युद्ध का पुरुष से वही संबंध है जो स्त्री का मातृत्व से है। यानी इस तरह से जो विचारधारा था जिसकी वजह से ये जो था युद्ध होने का कारण बना और फैजाबाद का उदय का सबसे बड़ा विशेषताओं में से एक था। साम्यवाद में विश्वास, फेथ इन द इंपीरियलिज्म। फैजाबाद साम्राज्यवादी थे, वे अपने राष्ट्र की सीमाओं की वृद्धि में विश्वास रखते थे, यानी वो काफ़ी क्षेत्रों को बढ़ाना चाहते थे। उनके अनुसार कमजोर राष्ट्र को जीवित रहने की कोई अधिकार नहीं है। मुस्लिम के अनुसार इटली का प्रसार आवश्यक है, अन्यथा इसे समाप्त हो जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे विचारधारा इनकी विशेषताओं में से थे। लोकतंत्र के विरोध, अगेंस्ट और डेमोक्रेसी। फैजाबाद लोकतंत्र व पुण्य शत्रु थे, वे लोकतंत्र को एक काल्पनिक भ्रष्ट और मूर्खों का शासन समझते थे। वो लोकतंत्र को एक लाश तथा संसदों के बातों को दुकान समझते थे। यानी इस तरह से जो विचारधारा उनका था। उसके बाद समाजवाद को विरोधी, अगेंस्ट सोशलिज्म। फैजाबादी समाजवाद के कट्टर शत्रु थे, वे सभी मनुष्य को समानता विश्वास नहीं रखते थे। अंतर्राष्ट्रीय के विरोध यानी जो है अगेंस्ट इंटरनेशनलिज्म। साम्राज्यवाद नीतियों में विश्वास रखने के कारण फैजाबादी अंतर्राष्ट्रीय के घोर विरोधी थे। यानी एक दल में विश्वास, फेथ इन द वन पार्टी। फैजाबादी एक दल की तनासाह में विश्वास रखते थे। उनके अनुसार अत्यधिक दल होने से परंपर संघर्ष बढ़ता है और तथा राष्ट्र कमजोर होती है। अब देखिए, हमने जो इनकी विशेषताएं पढ़ी इससे तो क्लियर जाहिर हो गया है कि सारे बात जो थी आज के जो है विपरीत है। यानी हर चीज़ों से क्या था, ये विपरीत थी, हर विचारधाराओं से विपरीत है। यानी अच्छाई से बिल्कुल बुराई में कन्वर्ट हो गया था। तो इन कारणों से जो है फैजाबाद की उदय होना एक स्वाभाविक बात था। तो अगर ऐसी विशेषता होगी तो फैजाबाद जो है उसका जन्म तो होना एक स्वाभाविक बात रह जाती है। मुसोलिनी जो थे उनका जो है मुसोलिनी की जो गृह नीति थी और विदेश नीति थी वो क्या थी, क्योंकि उनकी विचारधारा तो हमने पढ़ लिया, उनकी विशेषताओं का पढ़ लिया कि किस तरह से जो है फैजाबाद का जो है उदय हुआ। लेकिन जो बेनिटो मुसोलिनी इटली में फैजाबाद का स्थापक थे, उनका जन्म 1883 ईस्वी में इटली के एक गाँव रोमोंगेंगा में एक निर्धन परिवार में हुआ। निर्धन परिवार काफ़ी थे। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वह स्विट्जरलैंड चले गए। यहाँ उन्होंने अपनी आजीविका के लिए कई कार्य किए। यहाँ उनकी रुचि समाजवाद में हुई तथा उसने कई हड़तालों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उनकी इन गतिविधियों के अप्रसन्न होकर स्विट्जरलैंड की सरकार ने उसे देश से निर्वाचित कर दिया। इटली निर्वाचित कर दिया गया और इटली लौटने पर उसने एक कुछ समय तक अध्यापक के रूप में कार्य किया। 1912 ईस्वी में वह समाजवादी दल में शामिल हो गए और उनकी पत्रिका अवंती का संपादक बन गए। प्रथम विश्व युद्ध में इटली के भाग लेने के प्रश्न को लेकर और उनकी पत्रिका जो समाजवादी से उनकी विचार भिन्नता थी। समाजवादी जो थी आपको
युद्ध में इटली के प्रवेश को उचित नहीं मानते थे, जबकि मुसोलिनी इसके पक्ष में थे। इसी कारण उसे 1914 ईस्वी में समाज बदल से निकाल दिया गया और 1915 ईस्वी में वह इटली के स्पेन में भर्ती हो गया और युद्ध में भाग लेने के लिए चला गया। 1917 ईस्वी में वह एक युद्ध में घायल भी हो गया था। उसे इटली लौटना पड़ा और वापस लौटने पर वह दी पीपल्स ऑफ इटली नामक समाचार पत्र का संपादक बन गए। 1919 में उसने मिलान और फासिस्ट नामक एक गुट की स्थापना किया। यह सशक्त लोगों के गुट था। इस गुट के सदस्य काली कमीज पहनते थे। 1921 ईस्वी में मुसोलिनी ने नेशनल फासिस्ट पार्टी का स्थापना किया। 1921 ईस्वी में इटली में चुनाव करवाए गए। इस चुनाव में मुसोलिनी की पार्टी को केवल 35 स्थान प्राप्त हुए, जबकि समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी को कुल मिलाकर 338 स्थान मिले। चुनाव में सफल न होने के कारण मुसोलिनी ने बलपूर्वक सत्ता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। उसने 28 अक्टूबर 1922 ईस्वी को रोम इटली की राजधानी की ओर एक अभियान आयोजित किया। उसकी शक्ति से डर कर सम्राट विस्टर मेलोनी तृतीय ने उसे 30 अक्टूबर को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। सत्ता हाथ में आते ही फासीवादियों ने देश में भीषण आतंक फैलाया और 1924 ईस्वी इटली में नए चुनाव की घोषणा की गई। चुनाव के दौरान फासिस्ट लोगों द्वारा एक सुनियोजित ढंग से राजनीतिक विरोधियों की हत्या की गई। जो राजनीतिक विरोधी थे सबकी हत्या करवा दिया। परिणाम स्वरूप फासिस्ट का संसद में बहुमत हो गया और इस प्रकार मुसोलिनी इटली का तनाशाह बन गया। वह इस पद पर 1945 ईस्वी तक रहा। एक तनाशाह के रूप में मुसोलिनी की गृह और विदेश नीति का हम आगे चर्चा करेंगे कि उनकी गृह नीति और जो था विदेश नीति क्या थी। मुसोलिनी जो थे, मुसोलिनी गृह नीति सबसे पहले तो यही आता है मुसोलिनी की गृह नीति क्या थी। जब मुसोलिनी ने इटली के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था तो उनकी स्थिति दृढ़ नहीं थी। उनके मंत्रिमंडल के 14 सदस्य में से केवल सिर्फ 4 ही फर्स्ट थे। इसी प्रकार पार्लियामेंटेड के 365 सीटों में से केवल 35 सीटें ही फसलिस्ट दल को पास थी। सपा उनका मंत्रिमंडल अन्य राजनीतिक दलों के समर्थन पर आश्रित था। इसके अतिरिक्त उस समय आर्थिक क्षेत्र में इटली आत्मनिर्भर नहीं था और रोम कैथोलिक चर्च के साथ राज्य का झगड़ा अभी समाप्त भी नहीं हुआ था, परंतु मुसोलिनी और उसका दल इटली पर राज्य करने के दृढ़ संकल्प के लिए था। अपनी गृह नीति के अंतर्गत मुसोलिनी द्वारा उठाए गए कुछ पग थे। पहला पग तो यही था, या पहला जो उनकी नीति थी उसमें से यही था कि फासिस्ट सरकार को दृढ़ बनाना, यानी कोलोनाइजेशन ऑफ फासिस्ट गवर्नमेंट। सबसे पहले मुसोलिनी ने अपने व अपने दल की स्थिति को दृढ़ बनाने के लिए सरकार का फासीकरण करना जरूरी समझा। अंततः एक कानून पास हुआ जिसके बल पर सरकार उन राज्य कर्मचारियों को पदोन्नति कर सकती थी जो मुसोलिनी के राजनीतिक विचारों से सहमत नहीं थे, ठीक है, यानी उसे पद उचित कर सकती थी। यानी उसी वर्ष पार्लियामेंट ने चुनाव सुधार संबंधी एक कानून को पास किया जिसका आश्रय लेकर फर्स्ट दल अपने 374 सदस्य इटली के संसद में भेजने में सफल हुआ। आगामी दो वर्ष में पार्लियामेंट की शक्तियों का इतना स्थिरता कर दिया कि वह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा ही सरकार के पदच्युत नहीं कर सकती थी, यानी उसके बाद उसको हटाना संभव नहीं था। पार्लियामेंट में केवल उन्हीं विषयों पर वाद विवाद हो सकता था जिन्हें प्रधानमंत्री की अनुमति प्राप्त होती थी। प्रधानमंत्री ने जो मंत्रिमंडल ने भी प्रधानमंत्री का सदस्यता स्थापित हुई उससे मंत्रियों को न केवल नियुक्ति करने का ही अधिकार था अतुल वह उन्हें पदच्युत भी कर सकता, यानी पद से हटाया भी जा सकता था। फासिस्ट दल की स्वच्छ परिषद में 30 सदस्य जिन्हें मुसोलिनी स्वयं नियुक्त करता था उसके प्रति वफादार होते थे, यानी उसी को वो नियुक्त करता था जो उसकी बातों को मानते थे या उसकी विचारधाराओं पर चलते थे, ठीक है। जो उसकी विचारधाराओं पर नहीं चलता था या तो उसको मरवा देता था या क्या करता था, उसको पद से हटा दिया, वंचित कर दिया जाता था। शासन के अन्य क्षेत्रों में भी उसे फसल दल के सदस्य नियुक्त किए गए। मुसोलिनी धीरे धीरे राज्य के नियंत्रण से भी स्वतंत्र हो गया और सेना के सभी अंग उसके नियंत्रण में आ गया। समझ रहे हैं कि मुसोलिनी को इस प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप इटली के प्रशासनिक ढांचों में कोई परिवर्तन न आया। राज्य मंत्रिमंडल संसद स्थानीय संस्थाएं उसी प्रकार कार्य कर रही थी, ठीक है, जिस प्रकार से पहले करती थी। बस राज्य सत्ता का वास्तविक नियंत्रण मुसोलिनी और उसके राजनीतिक दलों के हाथों में आ गया था। मुसोलिनी की स्थिति अब इतिहासकार रॉबर्ट एस ने भी लिखा था इस बात के लिए। रॉबर्ट एडगेंग्स ने कहा था कि मुसोलिनी उतनी शक्तिशाली हो गया था जितनी कि मनुष्य की बुद्धि कल्पना कर सकती थी, यानी जितना कल्पना कर सकते थे उतना ही वो पावरफुल हो गया था। राज्य विरोधियों का दमन या क्रैशिंग द ऑपोजिशन। फासिस्ट सरकार की स्थिति दृढ़ करने के लिए मुसोलिनी ने राज्य विरोधियों का दमन करना भी जरूरी समझा। अंततः प्रसिद्ध समाजवादी नेता मोटोटो की मृत्यु के बाद उसे ओवरा नाम की
एक पुलिस शाखा स्थापित किया, यानी ओबरा नाम का जो है एक पुलिस शाखा का स्थापना किया गया जो कि मुसोलिनी के ही अधिकार में और उसके ही बातों पर चलता था। इसके अधिकारियों को उन व्यक्तियों का पता लगाना था जो राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। राज्य विरोधियों के भयभीत करने के लिए आतंक का आश्रय लिया गया और सरकार से बहुत से राजनीतिक विरोधी हिंसक कार्यवाही से घबरा कर बाहर चले गए। जिन्होंने वहां रहने का साहस किया उन्होंने सैनिकों से बुरी तरह से घायल कर दिया गया। काफ़ी व्यक्तियों को बिना मुकदमा चलाए बंदी गृह में डाल दिया गया और तब उपरांत समाचार पत्रों पर प्रतिबंधित लगा दिया गया। जितने भी समाचार पत्र थे सभी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये प्रतिबंध इतने कठोर थे कि धीरे धीरे बहुत से समाचार पत्रों का प्रकाशन होना बंद हो गया। कुछ समाचार पत्र सरकार के खरीद लिए गए। लेखकों का व विद्वानों के भी वर्तमान परिस्थिति व विषय पर लिखने की मनाही थी। वह फासिस्ट दल के हित में अवश्य लेख लिख सकते थे। विश्वविद्यालय में भी उच्च पदों पर फासिस्ट विचारधाराओं के व्यक्तियों को ही नियुक्त किया गया। यानी चारों तरफ से जो था फासिस्ट ने अपना जो विचारधारा लागू कर लिया था। निगम राजन कोऑपरेटिव स्टेट 1926 ईस्वी को एक एक्ट द्वारा इटली में निगम की स्थापना की गई। देश में कुल 13 निगम स्थापित हुए जिनमें से 6 का संबंध उद्योग कृषि व्यापार तथा भूमि आदि से था। पूंजी व श्रमिक वर्ग के लिए 2 विभिन्न निगम थे। 13वें निगम में विभिन्न व्यवसायों के लोग थे, यानी डिफरेंट तरह के व्यवसाय के लोग को सम्मिलित किया गया था। प्रत्येक निगम के लिए मिल मालिक और मजदूर सरकार के प्रतिनिधि की एक कमेटी बनाई गई थी जिसका काम मजदूरों की दर, काम का समय और इसी प्रकार के अन्य समस्याओं का समाधान करना था। कमेटी के निर्णय सबके लिए मान्य और अनिवार्य थे। निगम स्थापित होने पर मजदूर संघ समाप्त हो गया था तथा हड़तालें करने की मनाही भी हो गई थी। यानी कोई अपनी मर्जी से यहाँ पर हड़ताल या कोई तरह से सरकार के प्रति कोई भी गतिविधियाँ हैं नहीं कर सकता था। इस तरह से रूल रेगुलेशन को लगाई गई उस जगह। इन निगमों की देखरेख के लिए एक विशेष मंत्रालय स्थापित हुआ जिसका मुखिया फासिस्ट दल का एक महत्वपूर्ण सदस्य होता था। यानी फासिस्ट दल के जितने भी सदस्य थे हर क्षेत्र में अपना जो है दबदबा बना लिया था। परंतु इस में प्रोफेसर जो है कैंगिंग लिखते हैं कि निगम प्रणाली लोगों की आंखों में धूल डालने के लिए एवं अपनी अत्याचारी शासन पर पर्दा डालने के लिए उद्देश्य सरकार का ये धोखा था। इसे देश को कोई लाभ नहीं हुआ। देश के उद्योगपति व जमींदारों को जो फसल सरकार के समर्थक थे अवश्य ही कुछ लाभ पहुंचे। रोचक बात यह है कि कुछ विदेशी विद्वानों ने निगम प्रणाली में रुचि का प्रदर्शन भी किया। इंग्लैंड के एक विद्वान ने इसमें साहसीपूर्ण प्रयोग कहकर इसकी प्रशंसा भी किया था। आर्थिक समस्याओं को हल करने का प्रयत्न, एफर्ट टू बी अ सॉल्व इकोनॉमिकल प्रॉब्लम। मुसोलिनी को यह बात भली प्रकार स्पष्ट हो गया था कि खनिज पदार्थ व जनशक्ति की कमी के कारण इटली आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं बन सकता है। इस पर भी उसने देश की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए भरपूर कोशिश की। उसने खाद्य समस्याओं को हल करने के लिए नेपल्स और रोम की दलदली भूमि को सूखा कर कृषि योग्य बनाने का प्रयत्न भी किया। कृषि के लिए वैज्ञानिक ढंगों को भी अपनाया गया। फासिस्ट सरकार की कोशिश के फलस्वरूप ही 1838 ईस्वी में 1 करोड़ 1 एकड़ से अधिक भूमि जो पहले दलदली थी कृषि योग्य बन गई। 1932 ईस्वी में गेहूं की उपज में 70% वृद्धि हुई। अन्य खाद्य पदार्थ उपज भी 40 से 60% तक बढ़ी। ऐसी परिस्थितियों में अन्न का आयात कम हुआ। बिजली का उत्पादन बढ़कर कोयले के जो आयात को भी कम करने का यत्न किया गया। मुसोलिनी सरकार ने विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भी विभिन्न पग उठाए लेकिन उनके अस्थायी लाभ न हो सका। इसके विपरीत 1934 ईस्वी में पड़ने वाली विश्वव्यापी मंदी के कारण इटली की आर्थिक व्यवस्था भी काफ़ी भारी धक्का लगा। जब मुसोलिनी ने अपनी विजय लालसा और असंतुष्टि करने के लिए एविसिलिनिया पर आक्रमण किया तो इससे देश की आर्थिक अवस्था और दुर्बल हो गई और निस्संदेह मुसोलिनी देश की आर्थिक समस्याओं को हल न कर सका। लेकिन उसके इस यत्नों से उसे विदेश से काफ़ी ऋण प्राप्त हुआ। उसने यह धनराशि आर्थिक विकास के कामों में भी लगाया। पोप के साथ समझौता, सेटलमेंट ऑफ पोप। आपको पता भी होगा कि उस समय जो था पोप का दबदबा जो था हर क्षेत्र में था और पोप जो होती थी किसी भी कैथेड्रल चर्च के सदस्य होते थे, ठीक है, जैसे हम फादर भी कहते हैं। मुझे आरंभ से ही चर्च के साथ समझौता करने के पक्ष में था क्योंकि उसको समझ थी कि जो मैक्सिमम व्यक्ति होते हैं जो धर्म को मानते हैं अगर उनके धर्म पे ही कंट्रोल कर लिया जाए तो शायद जो है उन पर राज करना भी आसान होगा। और यही बात जो था हिटलर ने नहीं किया था जिसकी वजह से उसका पतन भी हुआ था। अपनी स्थिति को दृढ़ करने के लिए पश्चात उसने कैथोलिक धर्म के मुखिया पोप PS XI को साथ समझौता वार्ता आरंभ की और 11 फरवरी 1949 ईस्वी को दिन दोनों पक्षों के बीच लैटिन संधि हुई। इस संधि के अनुसार
पोप को वेटिकन नगर का स्वतंत्र शासन स्वीकार कर लिया गया था। इसे अपने सिक्के व टिकटें जारी करने का अधिकार भी दिया गया। उसका अपना रेलवे प्रबंधन तार प्रबंधन भी होना था। उसे अन्य देशों में राजदूत भेजने की आज्ञा दे दी गई थी। अन्य देशों के राजदूत उसके दरबार में रहते थे। पोप के व्यक्तिगत राजा को समान पवित्र माना जाता था, यानी पोप को व्यक्तिगत ठीक है राजा माना गया था उस समय। संसार में सभी भागों में रहने वाले पादरी बिना किसी रुकावट के उसके दरबार में आ जा सकते थे। तो इस तरह से उसने जो है इस पर बहुत बड़ा खेल खेला। इस अधिकार एवं सुविधाओं के बदले में पोप ने रोम पर से अपना अधिकार समाप्त कर दिया और कैथोलिक धर्म को इटली का राज्य धर्म मान लिया गया। मुसोलिनी सरकार ने राज्य में कैथोलिक चर्च के कानून को लागू करना स्वीकार कर लिया। छोटे व बड़े सभी शिक्षा केंद्रों में धार्मिक शिक्षा देने की व्यवस्था भी की गई। संधि संपन्न देने होने पर जो संधि संपन्न हो गई थी तो पर पोप ने यह घोषणा की कि रोम कैथोलिक चर्च का झगड़ा जो पिछले 60 साल से राज्य के साथ चल रहा था सदैव के लिए समाप्त हो गया है। उसने सिवाय वंश के राजा विस्टल एमुनिया तृतीय को इटली का राजा और रोम को उसके राज्य की राजधानी मान लिया। गृह नीतियों के क्षेत्र मुसोलिनी की यह एक सराहनीय सफलता थी। इस समझौते का देश के सभी वर्गों ने स्वागत किया और इससे फासिस्ट सरकार की लोकप्रियता बढ़ी। देखिए जो इससे 60 साल से जो था पोप के साथ जो झगड़ा चल रही थी राजाओं के, वो जो है मुसोलिनी ने बहुत ही सहनशीलता के साथ और बहुत विवेकपूर्ण ढंग से इसको सोल्यूशन करके वहाँ के लोगों के जो है लोकप्रिय दल बन गया, लोकप्रिय नेता बन गए। क्योंकि जो 60 साल से नहीं कर सका था वो इन्होंने कुछ बातों से और कुछ सोचों विचारों से ही इसको फैसला को क्लियर कर दिया और इस तरह से जो था पोप का जो था अधिकार जो राजा था वो ख़त्म हो गया और इस तरह से जो है मुसोलिनी की सरकार का जो है पूरे देश में लोकप्रियता और भी बढ़ गई। शिक्षा क्षेत्र में सुधार एजुकेशन रिफॉर्म। फ्रांसीसी सरकार ने देश के शिक्षा क्षेत्र में भी रुचि ली। यहाँ समस्या बड़ी गंभीर थी, विशेषता इसलिए कि देश के अधिकांश लोग मातृभाषा भी बोल नहीं सकते थे। अंततः फ्रांसीसी सरकार ने अपने शासन में आरंभिक शिक्षा जो प्रारंभिक शिक्षा के लिए अनेक स्कूल खोले। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य कर दिया गया। स्कूलों में अनुशासन व विशेष बल दिया गया था। अध्यापकों को प्रशिक्षण के लिए विशेष केंद्र खोले गए थे। केवल फसल के प्रति वफादार व्यक्तियों को ही इस पद पर नियुक्त किया जाता था। परंतु शिक्षा का उद्देश्य बुद्धिमान नागरिक बनाना नहीं अतुल उन्हें फसल तैयार करना था। शिक्षा का सार ही यही होता था कि फसलवाद ही देश का कल्याण कर सकता है। इसका कारण यह था कि मुसोलिनी फसलवाद के प्रचार के लिए शिक्षा को सर्वाधिक शक्तिशाली मानता था। इसके पश्चात जो है मुसोलिनी का विदेश नीति, यानी विदेश नीति इसका क्या था। मुसोलिनी बड़ा महत्वाकांक्षी नेता था। वह विदेश नीतियों के क्षेत्र में उग्र पग उठाकर अपने देश के सम्मान को बढ़ाना चाहता था। संभवतः वह रोम को गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा लेकर इटली को एक विश्व शक्ति बनाने का स्वप्न भी पाले हुए था। सौभाग्य से यह उसे अपने शासन के पहले 10 वर्षों में कुछ सफलता भी प्राप्त हुई, लेकिन अंत में उसकी उग्र नीति के कारण उसे तथा उसकी देशवासियों के विनाश का मुंह देखना पड़ा। अपनी विदेशी नीति के अंतर्गत मुसोलिनी द्वारा उठाए गए कुछ पग इस प्रकार थे। पहले था उन्होंने डेडे कानीज द्वीपों पर अधिकार 1923 में किया, यानी कुछ ऑक्यूपेशन ऑफ द डोकेंस ऑफ आइसलैंड 1927 AD। 1920 में संधि के अनुसार इटली ने डोडेकानीज द्वीप यूनान के देना स्वीकार कर लिया था और मुसोलिनी ने इस संधि को वैध मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि सब्र की संधि जिसको इसका संबंध था एक समय बीत चुका था। अंत 1923 के लेजन की संधि द्वारा इटली से यह द्वीप समूह प्राप्त कर लिए। मुसोलिनी सरकार ने इस द्वीप की किलाबंदी की और वहाँ से नौसेना का एक शक्तिशाली अड्डा स्थापित किया। इससे उसकी पूर्व या भू मध्य सागरीय क्षेत्र स्थिति दृढ़ होती चली गई। उसके पश्चात जो था कैफी द्वीप का अधिकारी 1923 में एक्वलाइजेशन ऑफ कॉर्फ्यू इजलैंड 1923 AD। 1923 में 4 इटालियंस राज्य अधिकारी का यूनान के भूमि पर वध हो गए थे, यानी काफ़ी लोगों को यहाँ पर मार दिया गया था यूनानी लोगों को। इस पर मुसोलिनी सरकार ने उग्र नीति अपनाते हुए यूनानी सरकार को अल्टीमेटम दे दिया था। कुछ अन्य मांगों के अतिरिक्त से क्षतिपूर्ति के रूप में 5 करोड़ लीर इटली के मुद्रा की मांग किया गया था। जब यूनान ने इस मांगों को पूरा करने में अनाकानी की तो इटली के सैनिकों ने उसे एक बमबारी की। उन्होंने कैफ्यू द्वीप पर अधिकार भी जमा लिया। तब पश्चात यूनान ने यह महान शक्तियों के परामर्श पर इटली के मांगे स्वीकार कर लिया। मुसोलिनी ने भी कैफ्यू द्वीप यूनान को लौटा दिया। तो इस तरह से जो था कैफ्यू द्वीप पर उन्होंने अधिकार किया और फिर जाके उसको लौटाने का कारण बना।
व्यूम की प्राप्त करना है क्यून और फ्यूजम। इटली के राजनेता चिरकाल ने व्यूम की बंदरगाह एडिमाटिक सागर पर आंखें लगाए हुए बैठा हुआ था। उन्होंने इसकी प्राप्ति की आशा लेकर प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश भी किया था, लेकिन युद्ध की समाप्ति पर उन्हें फ्यूम से वंचित कर दिया गया था और इसे एक स्वतंत्र बंदरगाह बना दिया गया था। 1924 ईस्वी में मुसोलिनी ने यूगोस्लाविया के साथ फ्यूम के बारे में समझौता वार्ता चलाई। सौभाग्य से उसे इस प्रयत्न में सफलता मिली। दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ जिसके अनुसार फ्यूम एक का नगर इटली को मिल गया। उसके पश्चात था अल्बानिया पर अधिकार। ऑपरेशन ऑफ अल्बानिया 1926 ईस्वी में इटली ने अल्बानिया के साथ टिराना की संधि की और उसके अनुसार इटली को कुछ आर्थिक रियायतें प्राप्त हुई जिनके बदले में उन्हें अल्बानिया की राजनीतिक प्रादेशिक एवं कानूनी व्यवस्था को उसी प्रकार बनाए रखने की गारंटी दी गई थी। अल्बानिया की सरकार ने भी यह वचन दिया कि वह किसी अन्य शक्ति के साथ ऐसी संधि नहीं करेगा जिसकी इटली के हितों पर बुरा प्रभाव पड़े। और इस समझौते के पश्चात इटली ने अल्बानिया को सैनिक संगठन को दृढ़ बनाने में सहायता भी किया और इस प्रकार अल्बानिया पर इटली का प्रभुता स्थापित हो गया और 1939 में इटली के अल्बानिया पर अधिकार भी हो गया था। उसके पश्चात एल्बिसिनिया पर अधिकार 1935 ईस्वी में किया गया था। मुसोलिनी के मन में एक महान साम्राज्य स्थापित करने का प्रबल इच्छा जागृत हो चुका था। वह इन प्रदेशों पर अधिकार जमाने के पक्ष में था जिनमें खनिज पदार्थ की बहुलता हो और इसका यह भी बात पता था कि जिस देश में खनिज होगा वो देश 100% जो है पावरफुल बन सकता है। तो मुसोलिनी के सौभाग्य से एबिसिनिया एक ऐसा ही प्रदेश था, उस पर किसी यूरोपीय शक्ति का अधिकार नहीं हुआ था। मुसोलिनी ने एबिसिनिया के साथ झगड़ा छोड़कर उस पर अक्टूबर 1935 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। मुसोलिनी का यह पग राष्ट्रीय संघ द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के विरुद्ध था, ठीक है, और इस पर भी इटली के सैनिकों ने एबिसिनिया की राजधानी अदिसबाम्बा को अपने अधिकार में ले लिया और 9 मई 1936 ईस्वी में दिन को संपूर्ण एबिसिनिया को इटली साम्राज्य में मिला दिया गया। यह मुसोलिनी का एक प्रमुख सफलताओं में से एक था। स्पेन में हस्ताक्षर यानी हस्तक्षेप में भी उसने सिविल वार करना स्टार्ट कर दिया। 18 जुलाई 1936 ईस्वी में स्पेन में जनरल फ्रैंको के नेतृत्व में विद्रोही ने तत्कालीन सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इटली इसमें हस्तक्षेप करके अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता था जिससे उसकी स्थिति पश्चिमी भूमध्य सागर में दृढ़ हो सकती थी। इस विचार से उसने जनरल फ्रैंको की सहायता के लिए इटालियंस वॉलंटियर भेजे। हिटलर ने भी इस कार्य में मुसोलिनी का साथ दिया। 3 वर्ष के संघर्ष के पश्चात 28 मार्च 1939 ईस्वी को यह युद्ध समाप्त हुआ। इसमें जनरल फ्रैंको की विजय हुई और सब राष्ट्रों ने उसकी सरकार को स्वीकार कर लिया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप इटली का स्पेन में प्रभाव बढ़ा और उसकी सामान्य शक्ति में भी वृद्धि हो गई। अन्य समझौते भी थे इसके, उसमें से एक समझौता ये था कि जनवरी 1927 ईस्वी में इटली के इंग्लैंड को एक समझौता किया जिससे दोनों देशों में स्पेन की तस्ता और अखंडता को स्वीकार किया, किंतु दिन प्रतिदिन दिन इटली का झुकाव मित्र राष्ट्रों की ओर से हटकर धुरी राष्ट्र की ओर होता चला गया। परिणाम स्वरूप नवंबर 1936 ईस्वी में इटली ने जर्मन जापान के एंट्री कॉमेंट्री पैक्ट पर हस्ताक्षर किए जिससे बर्लिन रोम ट्रोकोया धुरी का निर्माण हुआ। दिसंबर 1937 ईस्वी में 37 में इटली संघ राष्ट्र संघ को अलग हो गया और 22 मई 1939 ईस्वी में इटली एवं जर्मनी में एक समझौता हुआ जो इतिहास में स्टील पैक के नाम से भी विख्यात हुआ। कभी कभी एग्जाम में आया था स्टील पैक क्या था, तो ये याद रखिएगा ये इटली और जर्मनी में एक समझौता हुआ था जिसको हम स्टील पैक के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार दोनों देशों ने एक दूसरे को सैनिक सहायता देने का वचन भी दिया गया इस समझौते में। इस समझौते के अनुसार ही इटली के को द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ देना पड़ा। हिटलर ने सितंबर 1939 ईस्वी में युद्ध में इटली की पराजय को छोड़ दिया और 11 जून 1940 को दोपहर के 12 बजे इटली के युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा भी की। यानी कह सकते हो हिटलर ने सितंबर 1939 ईस्वी में युद्ध को छोड़ दिया था और 11 जून 1940 को दोपहर के 12 बजे इटली को युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा भी कर दिया था। युद्ध में इटली की पराजय के साथ मुसोलिनी का भी पतन हो गया। यानी इसी वजह से जो था युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा जब कर दिया गया था तो युद्ध में जो युद्ध लड़ी गई थी इटली की पराजय हो गया और पराजय के कारण ही जो मुसोलिनी की जो है पतन होना यहां से सुनिश्चित कर दिया। 28 अप्रैल 1945 को फैजाबाद के विरोधियों के मुसोलिनी को गिरफ्तार करके गोली से उड़ा दिया गया और इस प्रकार फैजाबाद का अंत हो गया। यानी
28 अप्रैल 1945 ईस्वी को जब फाजीवाद, ठीक है, जो फाजीवाद के विरोधियों ने, जो फाजीवाद के विरोधी हुआ करते थे, उसने मुसोलिनी को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके उसको गोली से उड़ा दिया। तो इस तरह से जो था फाजीवाद की जो है हमेशा के लिए अंत हो गया, मुसोलिनी की समाप्त होती ही। अंत में हम ये कह सकते हैं कि फाजीवाद की विचारधाराओं से वशीभूत मुसोलिनी ने इटली की समृद्ध और शक्तिशाली बनाने का हर संभव प्रयास किया। उसने घर के मोर्चे पर व्यापार, कृषि, उद्योग तथा शिक्षा के विकास का हर संभव जो है प्रयास किया, परंतु प्रजातंत्र और उदारवादी विचारों का गला घोट दिया। यानी प्रजातंत्र और जो उदारवादी बातें थी उसको बिल्कुल ही उसने नकार दिया था। जहां तक बाहर के मोर्चे का सवाल है, वो तो आरंभ में ही उसे वहां अवश्य सफलता मिली, परंतु उसकी अति महत्वाकांक्षाओं ने अत्यंत उसे बर्बाद कर दिया। तो यही बात होता है ना, जितना चादर होती है उतना ही पैर पसारना चाहिए। इसने चादर से अधिक पैर पसारने की कोशिश किया, जिसकी वजह से जो था इसका अंत भी हुआ, और जो वहाँ के लोग जो थे, जिसने उसने प्रजातंत्र उदारवादी विचारों का उसने जो गला घोटा था उसका भी हमेशा के लिए अंत हो गया, और उसके साथ जो है फिर से जो यहाँ पर जो प्रशासन लागू कर दिया गया। मुसोलिनी जो था बहुत बड़ा तानाशाह था, और उसके जैसा तानाशाह शायद दूसरा भी कोई हो सकता था, लेकिन उसके जैसा तानाशाह कोई नहीं था। लेकिन मुसोलिनी का पतन का क्या कारण बना, उसके बारे में हम विचार करेंगे। हम मुसोलिनी इटली में 7 वर्ष सफलतापूर्वक शासन किया, परंतु अंत में उसका पतन हो गया। उसके पतन के लिए अनेकों कारण उत्तरदायी थे। मुसोलिनी के पतन के कारणों का संक्षिप्त वर्णन यहाँ पर दिया जा सकता है। सबसे पहले तो इसने ये किया था, पोप का विरोध करना फिर से स्टार्ट कर दिया था। ऑपोजिशन ऑफ द पोप, पोप का विरोध मुसोलिनी के पतन का प्रमुख कारण बना, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि कोई भी शासक अगर शासन चलाता है तो उसके लिए जो है पोप का समर्थन होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि पोप को वहाँ का राजा माना जाता था, और जो वो पोप कहते थे वही बात जो है प्रत्येक नागरिक मानते थे, और इसी वजह से जो था पोप से उसका जो दुश्मनी थी वो उसका जो है बिगड़न का कारण बना। बेशकली उन्होंने पोप को जो मना के उनका राज्य बना के 60 साल की जो दुश्मनी थी ख़त्म किया था, लेकिन फिर से जो पोप की दुश्मनी हुई उनसे, तो इसकी वजह से उसका जो है फिर से उसका पतन का कारण बन गया। लेकिन 1929 में मुसोलिनी ने पोप के साथ एक समझौता किया था, परंतु समझौता चिरस्थायी न रह सके, यानी जो समझौता की गई थी वो बहुत दिनों तक समझौता नहीं रह सकी। 1931 के पश्चात मुसोलिनी ने कैथलिक विरोधी नीति अपना ली, यानी फिर से उन्होंने कैथलिक जो विरोधी नीति थी जो पहले भी थी उसको दोबारा से उसने अपना लिया। उसने कैथलिक क्लबों को भंग कर दिया तथा कई अन्य कैथलिक विरोधी कार्य भी किए। मुसोलिनी की इस कैथलिक विरोधी नीति के कारण पोप उसके विरुद्ध हो गए, और इसके वजह से जो था उन्होंने लोगों को समर्थन भी उसका छिन गया। तानाशाही शासन, मुसोलिनी ने इटली में तानाशाही शासन का स्थापना किया था। वह स्वयं को सबसे बुद्धिमान व्यक्ति समझता था। आपने पढ़ा है, जितना आपने वक्त जो इसमें पढ़ा है शब्द, उस सभी में जो था मुसोलिनी एक तानाशाह के रूप में झलक रहे था, तथा उसके कार्य के प्रति किसी को भी आलोचना करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। यानी इतना ये जो था कुशासन का इस्तेमाल किया था। वह किसी भी की परवाह किए बिना अपने निर्णय बलपूर्वक लोगों पर लागू कर देता था। आप किसी पे बलपूर्वक लागू करोगे तो वहाँ के जो लोग हैं वो विरोध तो होंगे होंगे। वो कहता था कि इटली के लोग तुच्छ हैं, यानी आम समझता था लोगों को। उसकी इस तानाशाही के कारण इटली के लोग उसके विरोध हो गए, और इसके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया। लोगों में आर्थिक असंतुष्टता, लोगों में आर्थिक असंतुष्टता में भी मुसोलिनी के पतन में अपना योगदान दिया। इसमें से कोई संदेह नहीं है कि मुसोलिनी के शासन के आरंभिक वर्षों में इटली की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार तो हुआ था, ये तो बात समर्थन वाली बात है, परंतु 1929 ईस्वी में आई आर्थिक महामंदी के कारण पैदा हुए संकट को हल करने में मुसोलिनी की सरकार बुरी तरह से असफल रही। आपने पढ़ा ही होगा कि 1929 जो 29 ईस्वी में जो था जो आर्थिक संकट आया था, आप देख सकते हो इस पे भी जो मैंने वीडियो बना रखा है आर्थिक मंदी, तो इसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 1929 ईस्वी में आई आर्थिक मंदी का क्या कारण था और कैसे हुआ, तो आप समझोगे तब इसको बारे में आपको और भी जानकारी मिलेगी। ठीक है, उसमें जो आप पढ़ोगे कि किस तरह से जो है सभी देशों के जो कमर टूट गई थी, ठीक है, आर्थिक महामंदी की वजह से, जिसमें अमेरिका तक को भी बुरा हाल में पहुँचा दिया था, फिर अमेरिका कितने मुश्किल से वो संभला था। इस आर्थिक महामंदी के पश्चात इटली में वस्तुओं के भाव बहुत बढ़ गए थे और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी। इस कारण इटली के लोगों में असंतुष्टता बढ़ती, जो कि मुसोलिनी के पतन का सबसे बड़ा कारण बना। ठीक है, मुसोलिनी की विस्तारवादी नीति, यानी मुसोलिनी था वो अपने आप को विस्तार करना चाहता, हर देश में फैलाना चाहता था, हर क्षेत्र में उसका प्रतिनिधित्व करना चाहता था। मुसोलिनी की विस्तारवादी नीति भी उसके पतन का एक मुख्य कारण बनी। मुसोलिनी ने यूनान पर आक्रमण करके फ्यूम पर अधिकार करके अल्बानिया तथा इथोपिया पर अधिकार कर यूरोपीय देशों को अपने विरुद्ध कर लिया था। उसकी इस विस्तारवादी नीति पर बहुत सा धन व्यय हो गया।
उसने 1938 ईस्वी में जर्मनी के साथ एक फैलावादी समझौता करके इटली को हिटलर की साम्राज्यवादी नीति का गुलाम बना दिया था। जब हिटलर का भी उदय इसी कारणों से ही हुआ। परिणामस्वरूप इटली के लोग मुसोलिनी के विरुद्ध हो गए और जो हिटलर के साथ चले गए। इसमें जो है अगला पॉइंट जो है द्वितीय विश्व युद्ध में मुसोलिनी का पराजय, यानी आरंभ में मुसोलिनी द्वितीय विश्व युद्ध में निष्पक्ष रहा क्योंकि उस समय वह युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार नहीं था, परंतु जब उसने देखा कि जर्मनी के हाथों फ्रांस की पराजय निश्चित हुआ है तो वह युद्ध में कूद पड़ा। उसने जर्मनी का साथ देने का निर्णय भी किया, परंतु इससे इटली को कोई लाभ न हुआ। घटिया तथा कम सैनिक आधुनिक शस्त्रों का अभाव तथा सैनिकों के उत्साह की कमी के कारण इटली को पराजय हुई और इस पराजय से मुसोलिनी को राजनीतिक विरोधियों तथा सैनिकों शक्तियों हो गए। परिणाम से मुसोलिनी का पतन भी हो गया, यानी जब पराजय के मुसोलिनी के राजनीतिक विरोधी भी शक्तिशाली हो गए, जो उसका जो विरोधी था वो शक्तिशाली हो गए, परिणाम से मुसोलिनी का पतन भी होना सुनिश्चित कर दिया। जुलाई 1944 ईस्वी में इटली के संसद में मुसोलिनी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित भी किया गया। उसने अपनी शक्ति को कायम रखने के लिए जर्मनी सेना की सहायता ली, परंतु वह अपने इस प्रयासों में असफल रहा। इसे बंदी बना लिया गया तथा मृत्यु दंड दिया गया। इस प्रकार मुसोलिनी के अंत का साथ ही इटली में फासीवाद का भी अंत हो गया, यानी फासीवाद का जब अंत हुआ तो नाजीवाद के उदय हो गया। अब नाजीवाद का उदय क्यों हुआ इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा है, आपको समझ आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो ये वीडियो जो है एक बार आपको मिलेगा, दूसरी बार आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये आपके रिसर्च में नहीं रहेगा, क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर नया है और ये आपके हेल्प में ही रहेगा हमेशा। अगर आपके दोस्त मित्र हैं कॉलेज में तो उसको भी ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा ले और ये भी अच्छे मार्क्स प्राप्त कर ले। ओके दोस्तों, हम अगले वीडियो मिलेंगे, अगले जो है नाजीवाद के उदय के कारणों के विषय में हम चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।